हे गाइस, रक्षनदास रेसिपीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक यूनिक और बहुत ही इजी रेसिपी, जो है बिना अंडे का ऑमलेट। यह एगलेस ऑमलेट खाने में बहुत टेस्टी है, बनाने में एकदम आसान है और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में आप 2 चम्मच बेसन ले लें। इस क्वांटिटी के साथ आप 2 ऑमलेट बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बना लें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से बिना किसी लम्स के आपको ये बैटर बना लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटा हुआ प्याज। साथ ही मैं ऐड कर दे 1/2 कटा हुआ टमाटर। इसे मिला लें। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप सब कुछ बैटर में मिला लें। अब हमें इसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक। साथ ही मैं ऐड कर दें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप बिना बेकिंग पाउडर के भी बना सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर से ये बहुत ही फ्लफी बनता है। इसे मिला लें और अब हम इसका एक ऑमलेट बना लेंगे। आप ये बैटर देख सकते हैं, बिल्कुल अंडे का बैटर लग रहा है। तो अब हम एक पैन गरम करके उसके ऊपर 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए, आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दें। आप जितना बड़ा ऑमलेट बनाना चाहते हैं आप उतना बैटर डाल सकते हैं। हमें इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं, ये देखने में बिल्कुल अंडे के ऑमलेट जैसा दिख रहा है। जैसे ही 2-3 मिनट बाद ये पक जाए, आप इसे पलटा दें। हमें दूसरी तरफ से भी इसे 2-3 मिनट के लिए पकाना है। जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, आप इसे पकाते रहें। मैंने इसे दोनों तरफ से 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये ऑमलेट बनके तैयार है। आप गैस बंद करके इसे सर्व कर सकते हैं। है ना बिल्कुल यूनिक और इजी रेसिपी। आप इस तरह से एगलेस ऑमलेट बना सकते हैं। खाने में ये बिल्कुल अंडे के ऑमलेट जैसा लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडा नहीं है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं, हमारी रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।